हेलो दोस्तों, आज हम एक और महान बॉडी बिल्डर की कहानी लेकर आए हैं। अब तक के हमारे कई बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में कई महान लेजेंड्स जैसे जे कटलर, अर्नॉल्ड, रिच पियाना, फिल हिथ और अन्य लोगों पर बनाए गए वीडियोस पर आपका बहुत ही प्रोत्साहजनक समर्थन मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के इस वीडियो में हम रोनी कोलमैन पर बात करेंगे। हर समय का सर्वोत्तम बॉडी बिल्डर शुरू और खत्म होता है। रोनाल्ड डीन कोलमैन के नाम पर इन्हें रोनी कोलमैन के रूप में भी जाना जाता है। वे एक अमेरिका समर्थक बॉडी बिल्डर और खेल के एक सच्चे प्रतीक हैं। वे 1964 में पैदा हुए। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के खेल में कई रिकॉर्ड रखे हैं। बिग रोन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और हर समय के सबसे महान बॉडी बिल्डर के रूप में देखा जाता है। उन्हें जिम में एक पूर्ण बीस्ट के रूप में जाना जाता है और दुनिया भर में उन्हें उनके अच्छे दिल और मजाकिया स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। उनके द्वारा कहे गए ये बड़ी और लाइटवेट बेबी शब्द प्रसिद्ध हैं। कोलमैन ने ग्रैम्बलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी में 1984 में एक बीएससी में अकाउंटिंग के साथ सर्वोच्च सम्मान से स्नातक किया। विश्वविद्यालय में उन्होंने अमेरिकी फुटबॉल भी खेला और स्नातक होने के बाद वे 1989 में अर्लिंगटन टेक्सास में एक पुलिस अधिकारी बन गए। उनके साथी अधिकारी गुस्तावो लांटा ने सुझाव दिया था कि वे मेट्रोफ्लक्स जिम में भाग लें, जो शौकिया बॉडीबिल्डर ब्रैंड डॉक्सन का है। डॉक्सन ने कोलमैन को एक निशुल्क आजीवन सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया अगर उन्होंने डॉक्सन को उस वर्ष की आगामी मिस्टर टेक्सास बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति दी। वहां से कोलमैन ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने खुद डॉक्सन को भी हराया। बॉडीबिल्डिंग प्रशिक्षण कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोलमैन नौकरी समझते हो, और इस मानसिकता के साथ प्रतिस्पर्धा की तैयारी के साथ जुड़े दबावों को सफलतापूर्वक संभाल करने की उनकी क्षमता प्राप्त हुई। जैसा कि उन्होंने अपने लिए एक नाम स्थापित करने के लिए धीरे धीरे सुधार करना शुरू किया, उन्होंने ये बात नहीं भूली कि वो कौन है और कहां से आए हैं और किसने उसे पहली जगह में एक पेशेवर बनाया। कोलमैन का स्थान बॉडीबिल्डिंग लोक कथाओं में पूर्ण प्रभुत्व के सबसे चौंकाने वाले प्रदर्शनों में से एक होगा जो हम कभी भी देखेंगे। अपना करियर के दौरान किंग रोनी ने 8 लगातार ओलंपिया खिताब, एक 2007 अर्नॉल्ड क्लासिक खिताब और 36 समर्थक जीत हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है कि सभी संभावनाओं में वे समय की कसौटी पर खड़े होंगे। वे सबसे अधिक 8 श्री ओलंपिया को जीत चुके हैं, साथ ही ली हैनली भी। हालांकि रोनी ने जीत के 8 सीधे शीर्ष खिताब जीते। उन्होंने 26 शीर्षकों के साथ IFBB समर्थक में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड भी हासिल किया। वो एक अपराजित बॉडीबिल्डर थे। 1998 में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने के बाद वो एक पंक्ति में सीधे 8 गुना जीतने के लिए चले गए। रिकॉर्ड उनकी महानता को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, उनकी विरासत निश्चित रूप से है। 2003 के ओलंपिया प्रतियोगिता में उत्कृष्टता के लिए बार बढ़ाकर रोनी कोलमैन ने अकेले शरीर निर्माण में पुनः परिभाषा पेश की, जहां 287 पाउंड कोलमैन ने मंच पर कदम रखा और मंच पर एक नजर डालकर संभावनाओं की सीमा को तोड़ दिया, जिसे कई इतिहासकारों ने सबसे महानतम बताया था। प्रशिक्षण के दौरान कोलमैन अपने लचीलेपन और गति की सीमा को अधिकतम करने के लिए मशीनों की बजाय सादे वजन का उपयोग करना पसंद करते थे। हमेशा आत्मविश्वास से परिशिक्षित होते थे और प्रतियोगिता के बारे में कभी चिंता नहीं करते थे। वे सिर्फ प्रक्रिया को पसंद करते थे, हर समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता हमेशा स्वयं है कि मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं किसी भी लड़के को साधारण कारण के लिए अपने प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कैसे देखेंगे, मैं केवल ये देख सकता हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ। कोलमैन ने अपने जीवन के समुदाय के लिए एक मजबूत भावना का प्रदर्शन किया। एक बेटे, एक पिता और एक पति के रूप में उन्होंने अपने परिवार की देखभाल की और अक्सर अपने स्वयं के पहले दूसरों की जरूरतों को रखा है। एक शरीर सौष्ठव चैंपियन के रूप में वो अप्रतिम है। एक समर्थक बॉडी बिल्डर के रूप में बड़ी सफलता के बाद रोनी कोलमैन ने अपने करियर में कई उत्पाद के विज्ञापन और विभिन्न नए अवसरों का नेतृत्व किया है। रोनी ने हाल ही में रोनी कोलमैन सप्लीमेंट रेंज को जारी किया,
वो अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एक्सपोज के माध्यम से दुनिया का दौरा करते हैं। उन्हें एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि क्या कोई ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्हें दबाव महसूस रहा हो। जब आप किसी चीज को प्यार करते हैं जितना मैं बॉडी बिल्डिंग से प्यार करता हूँ, आपको अपने आप को पुश करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तब ये होता है कि आप कभी दबाव महसूस नहीं करेंगे। और हाँ, कुछ कठिन समय थे और जब वे आए, मैंने अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करके जान लिया कि मेरा मन सब कुछ नियंत्रित करता है। कड़ी मेहनत, दबाव की कमी, प्रक्रिया और विनम्रता के लिए प्यार एक विजेता नुस्खा है जिसने रोनी कॉलमैन को खेल के महानतम दिव्य चरित्र में से एक बना दिया। और यहाँ तक कि अब सेवानिवृत्ति में मंच पर कई वर्षों से राजा रोनी अभी भी सबसे लोकप्रिय चैंपियन रहे हैं। रोनी कॉलमैन के अधिक वीडियो के लिए इस वीडियो के विवरण में एक लिंक चेक करें। इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा इस पर हमें टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।